हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रीता जायसवाल ब्लॉग में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में मस्त होंगे। दोस्तों और बहुत ठंडा मौसम हुआ है और मैंने सूट पहन लिया है, इसमें येलो कलर का दुपट्टा ले लिया। दोस्तों अब किचन में चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने चाय रखा है, चाय बना रही हूँ। और इधर दोस्तों इतना सारा मलाई है, ये जो दूध का मलाई होता है ना वही है, तो इतना सारा मलाई है इसको मैंने गैस पे रख दिया है। और ये धीरे धीरे होता रहेगा, तब तक चाय बन जाएगा तो हम लोग पीते रहेंगे। और मेरी देवरानी है जो कि वो सब्ज़ी बैठ के काट रही है, एक देवरानी, और एक देवरानी अभी आई नहीं है, बच्चों को नहला धुला रही हैं, तो यहाँ पर चाय वगैरह बन। तो दोस्तों ये मेरी आसाम वाली देवरानी है, इनके हस्बैंड का तबीयत नहीं ठीक है इसलिए वापस आई हैं। तो ये यहाँ पे बैठ के सब्जी काट रही है और मैं वहाँ पे चाय और वो क्या नाम घी बना रही थी। और ये देखिए हम दोनों यहाँ पे हैं और आपसे मिलवा रही हूँ। और यहाँ मैं बैठ कर दोस्तों चाय पी रही हूँ, क्योंकि पानी मैंने पी लिया है तो अब चाय पी रही हूँ। तो बस चाय वगैरह पी लेने के बाद ही कुछ काम करने का मन करता है, जब तक चाय ना पियो ना तब तक मन भी नहीं करता है कुछ भी। और ये देखिए मेरे सबसे छोटी वाली देवरानी का बेटा है जो कि स्कूल जा रहा है लेकिन बदमाशी कर रहा है, तो इसको भी मैंने कैप्च किया है। तो देखिए घी बन रहा है, मलाई ढीला हो गया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ वही घी बना रही हूँ बैठ मतलब हिला रही हूँ उसको। और उसके बाद सब्जी भी बनाऊँगी, क्योंकि क्या नाम है ना सब्जी बनाऊंगी और उधर चाय बन चुका है, चाय मैंने पी लिया है। तो एक साइड घी बन रहा है और एक साइड सब्जी बना रही हूँ। और ये मेरी देवरानी कुछ काम कर रही है शायद, तो इसीलिए इधर उधर फ्राइड कर रही हूँ, याद मेरा नहीं था। तो यहाँ मैं ना आलू और परवर की सब्जी बना रही हूँ और कैमरा थोड़ा ऊपर हो गया इसलिए आप लोगों को नीचे से दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैं ना पहले परवर और आलू तल के निकाल लेती हूँ, उसके बाद ये हल्का सा मसाला पैकेट वाला ही डाल के बनाती हूँ, फटाफट बन जाता है। और तो पहले मैं आलू और परवर को तल के निकाल लेती हूँ, उसके बाद लहसुन मिर्च प्याज वगैरह डाल करके तेज़पात और पचफोरन डाल के छौंक लगा देती हूँ। उसके बाद टमाटर और थोड़ा सा हल्दी और हल्का सा गरम मसाला डाल के बस इतना ही डाल करके ये सब्ज़ी बना करके मैं रेडी करती हूँ। मैं कई इसका वीडियो भी कई बार शायद शेयर कर चुकी हूँ, तो वही मैं सब्जी बना रही हूँ दोस्तों। और ये देवरानी कुछ शायद काम कर रही है, कुछ खोज रही है, याद नहीं आ रहा है मुझे, तो बस यही है। और यहाँ पे देखिए ये मैंने परोरा जो छौंक रखा है वही है और इसे मैं तल के निकालूँगी। इधर घी धीरे धीरे पक ही रहा है। और ये है ननुआ की सब्जी जो कि तौरी बोला जाता है शायद। और बाल जो थे ना थोड़े गीले थे, तो मैं इसको जूड़ा बना रही हूँ ताकि बाल खाने वगैरह में ना पड़े, तो इन्हें मैं कर रही हूँ। और जो वो तौरी होता है उसके लिए हरी मिर्च और लहसुन मैं थोड़ा सा पीसने जा रही हूँ, वो चने का दाल डालकर बनता है तौरी में, और लहसुन और मिर्च थोड़ा सा पीसूँगी सिर्फ, तो वही मैं पीस रही हूँ। देवरानी शायद बाहर कुछ काम कर रही है इसीलिए आ रही हैं जा रही हैं शायद, तो वीडियो मैंने कुछ दिन पहले। और यहाँ मैंने लहसुन और मिर्च पीस लिया है जो दूसरी सब्ज़ी बनाना है उसके तौरी के लिए। और यहाँ पे दोस्तों देखिए ये घी बन के पूरे अच्छे तरीके से तैयार, तो ये देखिए दोस्तों घी अच्छे से बन के तैयार हो रहा है, बस थोड़ा सा और होगा तो हो जाएगा, थोड़ा सा 5 मिनट और लगेगा। और इधर मैं बना रही हूँ आलू और परवर की सूखी सब्ज़ी दोस्तों। ये सूखी सब्जी है, सिर्फ इसमें मैंने क्या डाला है, सिर्फ लहसुन मिर्च डाल रखा है, वो भी हरी मिर्च डाल रखा है, हरी मिर्च लहसुन डाल के बनाया है और थोड़ा सा मसाला डाला है, पीस कर नहीं डाला है, ऐसे पैकेट के डाल दिया है। और ये सूखी सब्ज़ी है दोस्तों, मेरे घर में बहुत पसंद किया जाता है इस सब्ज़ी को, तो मेरा कुछ नहीं मन करता तो मैं ही बना देती हूँ। तो ये सब्ज़ी भी हो रहा है, आलू भी थोड़ा कच्चा है, इसको हम ढक देते हैं धीमी आँच पर, धीरे धीरे होता रहेगा। तो दोस्तों इधर घी खर हो रहा है, इधर मैं आलू परवल की सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी नेनुआ जो से बोलते हैं सर, नेनुआ हम लोग बोलते हैं, आप लोग शायद तौरी बोलते होंगे, उसकी सब्ज़ी बनाना बाकी है तो उसकी मैं बाद में देखती हूँ। और इधर ये बन रहा है और अभी कोई देखिए किचन में कोई है नहीं मेरे सिवा, अभी छोटी देवरान पूजा पाठ करके ऊपर गई है और एक देवरान उधर गई है और मैं इधर किचन में लगी हुई हूँ।
और अभी आएंगे तो लोग अपना चावल दाल वगैरह बनाएंगे। मैंने इधर सब्जी उब्जी बना लिया है। वो मेरा एक बेटा बोला मुझे थोड़ा सा रसेदार बना दो, तो मैंने जरा से इसमें पानी डाल दिया है, तो ये रसेदार सब्जी बनकर तैयार हो गई। और दोस्तों ये देखिए घी बन के तैयार हो गया। अब इसको हम डिब्बे में छान के रख लेंगे। रोज़ डेली सबको दाल में चाहिए तो उसी लिए। और एक मेरा बेटा यहाँ लेटा हुआ है, और ये छोटा वाला बाबू है मेरा जो देवरानी का है, इसको मैं टहला रही हूँ क्योंकि अब इसको मैं खिलाऊंगी तभी तो छोटी वाली कुछ काम कर पाएगी, क्योंकि एक बच्चे को ही देखना ज़रूरी होता है, तो इसलिए मैं उसको देख रही हूँ। वो देखिए बेटा नाश्ता कर रहा है। और ये है वो दोस्तों दोरी का सब्जी, तो मैं रेसिपी शेयर नहीं कर सकी बिल्कुल भी, लेकिन यहाँ पे देखिए कपड़ा प्रेस कर रही हूँ। ये स्कूल के ड्रेस है, कुछ टी शर्ट वगैरह हैं तो वही मैं प्रेस कर रही हूँ। थोड़ा सा खाली थी तो मैंने कहा कि कपड़े प्रेस कर लेती हूँ, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता है दोपहर में करने को, तो यहाँ मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और यहाँ पे ये स्कूल का ड्रेस है और थोड़े बहुत टी शर्ट वगैरह हैं, तो यही सब मैं प्रेस व्रेस कर रही हूँ। आज कभी कभी मन बनता है कुछ करने का, उसके बाद इतनी गर्मी पड़ती है ना कि कुछ इच्छा ही नहीं करता है करने का। थोड़ा सा ठंडा मौसम था बरसात का, तो बस इसलिए मैं बैठ गई कपड़े प्रेस करने के लिए। मौसम बहुत ही ठंडा है दोस्तों, थोड़ा गर्मी तो लग ही रहा है लेकिन ठंडा है। और ये देखिए कितने हरे भरे हरे हरे लग रहे हैं, हल्का हल्का झेसी पड़ रहा है, और ये हरे हरे पूरे पेड़ पौधे हुए हैं दोस्तों। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं बनाऊंगी दोस्तों, थोड़ा सा घर में प्रॉब्लम चल रहा है इसलिए वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो बना नहीं पा रही दोस्तों। बाहर बहुत सुंदर हवा चल रही है, देखिए कितना खूबसूरत हवा चल रहा है, लेकिन किचन में इतनी गर्मी है ना कि पूरा देखिए चेहरे पसीने पसीने से हो जाते हैं। लेकिन बाहर ना मौसम बहुत अच्छा, बहुत प्यारा मौसम है, ठंडा ठंडा है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगी दोस्तों, तो वीडियो के ही एंड करती हूँ दोस्तों। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा दोस्तों। छोटा सा ये वीडियो है, प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोग नए जुड़ते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थोड़ा हम लोगों की हिम्मत को आप लोग बढ़ाएँ ताकि हम लोग और भी अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। और ये दुपट्टा